सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दो प्रोडक्ट्स। मेरे पास आज दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है पावर बैंक और एक है गेमिंग कंसोल। तो एक है मेरा एम्ब्रेन का प्रोडक्ट है, तो जो मैं टेस्ट करने वाला हूँ iOS और एंड्रॉयड दोनों पे। तो हम लोग इसका जो पैकेज है वो एम्ब्रेन का, ये ओपन डिलीवरी था फ्लिपकार्ट से। तो जैसा कि मेरा पिछला वीडियो मैंने बनाया है अमेज़ॉन के ऊपर, जहाँ पे मेरे को एक प्रोडक्ट मिसिंग आया था, तो ये एक ऑप्शन मिलता है आपको अगर कहीं आप इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑर्डर कर रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन या फिलहाल फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से। तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट पे फिलहाल ऑप्शन है कि आप ओपन डिलीवरी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको जो कुरियर वाला है फ्लिपकार्ट का या जो जिससे भी वो भेज रहे हैं, वो पहले आपको बॉक्स ओपन करेगा, दिखाएगा उसमें क्या है, फिर आप उसके साथ OTP शेयर करेंगे एंड फिर वो कंफर्म करेगा कि ये प्रोडक्ट जो मिला है आप, मतलब आप कंफर्म करोगे कि जो आपको प्रोडक्ट मिला है वही ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो इससे थोड़ा एक कंट्रोल होता है कि जो प्रोडक्ट जहाँ पे मिसप्लेस हो जा रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं जो पहुँचनी चाहिए, तो ये थोड़ा एक उसका एक प्रिवेंशन है। तो उसके लिए फ्लिपकार्ट चलो कुछ तो कर रहा है। तो इन प्रोडक्ट का हम अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि इनके फीचर्स क्या क्या हैं। सो अगेन मेरा माइक का प्रॉब्लम है, तो मुझे नया माइक लेना ही पड़ेगा फिलहाल। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और इसको रखते हैं साइड में। तो ये है वो एम्ब्रेन का पावर बैंक, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर ये मैक्सेफ फीचर के साथ आता है, यानी कि जो आपका वो डिवाइस वायरलेस चार्ज होते हैं उसको ये चार्ज कर सकता है, प्लस वायर्ड के थ्रू भी चार्ज कर सकता है। तो इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे है अपना वो पावर बैंक, इसके अंदर एक और पैकेजिंग है। इसके अंदर आपको मिलता है एक फीडबैक फॉर्म, इसके साथ साथ आपको मिलता है ये पावर बैंक और एक केबल। तो उसके साथ ये केबल मिला है, केबल की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। सो ये केबल है, ये कलर मैंने चूज किया था, इसमें दो ही कलर आते हैं, ब्लैक कलर और ये। तो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये है मैक्सेफ। फिर यहाँ पे फिजिकल ओवरव्यू अगर मैं दूँ तो यहाँ पे आपका USB पोर्ट है, फिर ये टाइप सी है और ये ऑन ऑफ बटन है, और यहाँ पे है LED इंडिकेटर्स जो आपको दिखाएंगे। जब आप बटन को ऑन करेंगे तो ये इंडिकेशन दिखाता है। इसके साथ साथ पीछे एक ये स्टैंड दिया गया है, तो ये ऐसे कुछ दिखेगा रखने पर। तो ये चार्जर का ये मैक्सेफ एरिया है, यहाँ पे मैंने फिजिकल ओवरव्यू जैसे दिया था, USB है, टाइप सी है, ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे LED लाइट इंडिकेटर है, बाकी कुछ नहीं है, और ये एक पीछे स्टैंड है जिसको आप ऐसे रख सकते हैं और आपका फ़ोन इसे चार्ज होते रहे। तो लेट्स सी ये चार्ज कर रहा है कि नहीं। तो इसे पहले आपको ऑन करना है, ये आपको लाइट जलती हुई दिख रही होगी इंडिकेशन, देन आप इसको ऐसे रखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये चार्ज कर रहा है, पर इसमें यही एक है कि ये डिवाइस जो है इसके बॉक्स पे लिखा है कि iPhone 12 से सपोर्ट करता है, तो ये iPhone 11 है, तो इसमें डिफिकल्टी हो रही है। तो अगर आपके पास iPhone 12 से ऊपर के सीरीज है तो उसमें ये इजीली काम करेगा और उसका मैग्नेट भी स्ट्रांग रहेगा। लेट्स सी कि ये एंड्रॉयड चार्ज कर रहा है कि नहीं। तो इसे हम लगाते हैं एंड यहाँ पे एक एंड्रॉयड फ़ोन भी है मेरे पास, तो यहाँ पे इसे लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एंड्रॉयड को भी चार्ज कर रहा है। सो ये जो चार्जिंग है अच्छे से काम कर रही है, और एम्ब्रेन बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसका जो आउटपुट है, वायरलेस आउटपुट 15 वॉट है मैक्सिमम, और जो वायर्ड के साथ है वो 22.5 वॉट का आउटपुट है, जो एक फास्ट चार्जिंग आप कंसिडर कर सकते हैं, बट उतनी फास्ट चार्जिंग नहीं है।
सो ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से थम्स अप है, और ये 10,000 mAh का पावर बैंक है और काफ़ी दिखने में अच्छा भी है, कॉम्पैक्ट है, स्लीक है, और जो आईफोन यूज़ करते हैं उनके लिए एक तरह से वायरलेस चार्जिंग ही है। सो ये रहा मेरा दूसरा पैकेट, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। बॉक्स, इस पर लिखा है SUP, और ये है 4001 गेमिंग कंसोल। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है और इसकी प्राइस कुछ 635 कुछ था, प्राइस मैं मेंशन कर दूंगा, बट बॉक्स की हालत थोड़ी पिचकी हुई लग रही है। सो चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को। तो यहाँ से ये ओपन हो रहा है और इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। डिजिटल गेम, 3.3 इंच का LCD डिस्प्ले है, स्लिम, पोर्टेबल, ट्रेंडी, और ये सारे कलर्स में आता है, तो अपना रेड कलर है। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा गेम प्ले भी मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं एक बैटरी है PL5C, जो पहले नोकिया के फ़ोन्स होते थे तो वहाँ पे ये सब बैटरीज यूज़ होते थे। और यहाँ पे फ़िलहाल एक कार्ड मिला है जिस पे लिखा है कि अगर आप इस जो सेलर है उसको 5 स्टार देंगे तो आपको कुछ कैशबैक मिलेगा, तो ये 20 रुपये कैशबैक बांट रहे हैं, ये वो कार्ड है। और इसके साथ आपको मिलती है ये केबल जो आप टीवी में लगा के खेल सकते हैं, तो इसे आप अपने टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है इसका चार्जिंग केबल जो बहुत ही छोटा है। इसके साथ मिलता है आपको एक्स्ट्रा गेम पैड, तो ये है वो एक्स्ट्रा गेम पैड, अगर आप डबल प्लेयर खेल रहे हैं तो ये आप खेल सकते हैं। प्लस इसके अंदर मिलता है आपको एक यूज़र गाइड, तो इसमें सब लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाय द वे ये मेड इन चाइना है। और फाइनली ये है हमारा गेमिंग कंसोल, तो इसके ऊपर बड़े अक्षर में लिखा हुआ है SUP, कलर काफ़ी अच्छा है, और ये पूरा प्लास्टिक है, देख सकते हैं बहुत ही हल्का है। तो यहाँ पे ये बटन्स है, जॉयस्टिक, फिर इसके ABXY बटन्स, फिर यहाँ पे सिलेक्ट है, स्टार्ट है, फिर ऊपर इसका हेडफोन जैक है, चार्जिंग पोर्ट है, ये ऑन ऑफ स्विच है, बाकी इस तरफ कुछ नहीं है। यहाँ पे एक वॉल्यूम का व्हील है जिससे आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर बैटरी डालते हैं। सो ये मैं डाल रहा हूँ बैटरी, बैटरी डल गई है। सो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, यस ये स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है चाइनीज इंग्लिश। सो ये इसका फुल वॉल्यूम है, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप स्टार्ट। तो यहाँ पे गेम्स आपको दिख रहे होंगे, सुपर मारियो, मारियो, डॉक्टर मारियो, टर्टल, कॉन्ट्रा, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं इसके अंदर, टोटल 400 गेम्स है। तो आवाज़ काफ़ी अच्छी है इसकी, तो चलिए गेम खेल के देखते हैं हम। ये गेम मैं बचपन में बहुत खेलता था, तो सुपर मारियो इसमें मेरा फेवरेट गेम है। डिस्प्ले अच्छी है, ब्राइट है, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट किया World 1, ये देखिए चालू हो गया।
पहले ही टाइम में मर गया, क्योंकि मैंने मुझे खेले ये गेम बहुत टाइम हो चुका है। तो फिर से कोशिश करते हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स प्ले अगेन। हाँ, ये बटन है तो ये कम जंप वाला है, ये ज़्यादा जंप वाला है। पावर ले लेते हैं। यस, पावर मिल गया है। ये भी पावर ले लेते हैं। तो ये है गोली वाली, तो ये देखिए इस बटन से अब फेंक सकते हैं। तो ये पहला लेवल मैंने पार कर लिया है। तो गेम खेल के काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील हुआ मुझे, और ये गेम मैं बचपन में बहुत खेलता था। सो स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, गेम प्ले भी अच्छा है, और काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। तो बैक जाते हैं। एक और गेम प्ले करते हैं, देखते हैं हम कौन सा गेम खेल सकते हैं। कॉन्ट्रा है इसके अंदर, तो कॉन्ट्रा भी मैं बहुत खेलता था। लेट्स सी कॉन्ट्रा खेल सकते हैं कि नहीं। सो कॉन्ट्रा 1 लेता हूँ मैं सिलेक्ट, और ये गेम स्टार्ट हो रहा है सिंगल प्लेयर। एकदम साउंड वैसे ही आ रहा है। लेट्स स्टार्ट। और ये मेरा, मैं मर गया। फिर से देखते हैं, फिर से मर गया। गेम इतना आसान नहीं है खेलना, गेम प्ले लेकिन काफ़ी अच्छा है। एक बार आपको बटन्स की जानकारी हो जाए तो गेम प्ले इज़ वेरी गुड, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो डिज़ाइन वाइज सब कुछ अच्छा है, गेम प्ले भी अच्छा है, और मेरे ओपिनियन में बहुत अच्छा डिवाइस है कंपेयर टू जो आजकल बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। उसमें इंटरनेट है और उसके साथ साथ और भी एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं। मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि आज के टाइम में बच्चे एडिक्ट होते जा रहे हैं मोबाइल को लेकर, और मोबाइल में आप एक बार मोबाइल देते हैं तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है, जहाँ पे अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करना चाहते, स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं, तो ये कुछ टाइम के लिए आप दे दीजिए, क्योंकि ये ऑफलाइन है, गेम्स भी इसमें ऑफलाइन है, तो आपका बच्चा खेल सकता है और जो मोबाइल की चीज़ है वो उससे थोड़ा दूर हो सकता है। तो हम इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, ये जो कंसोल इन्होंने दिया है तो इसे भी एक बार ओपन करते हैं। तो ये अगर आपके पास सेकंड प्लेयर है तो उसके साथ आप लगा के खेल सकते हैं। तो ये जाएगा, ये केबल जो है काफ़ी लंबी केबल है, तो दो लोग आराम से खेल सकते हैं। तो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। कॉन्ट्रा ही लेते हैं हम, कॉन्ट्रा 1। इसमें कॉन्ट्रा के सारे गेम्स है, इसमें मैं चूज करता हूँ। मैंने दो प्लेयर सेलेक्ट कर लिया है।
लेट्स सी सेकंड प्लेयर काम कर रहा है कि नहीं। काम तो कर रहा है, ये सेकंड प्लेयर है, ये फर्स्ट प्लेयर है, आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये जैसे जंप कर रहा है, ये गन वाला हो गया, ये जंपिंग हो गया, तो ये वाला भी इजीली काम कर रहा है। फिलहाल मैं इतना टेस्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये अगर आप दो प्लेयर खेल रहे हैं तो आप इजीली खेल सकते हैं। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। इसके साथ जो तीसरी चीज़ मिली है, ये आप अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जाएगा आपका इसके अंदर 3.5 mm के अंदर, और ये आप टीवी में लगाएंगे तो ये जो डिस्प्ले यहाँ पे दिख रही है आपको, वो टीवी में भी दिखेगी। ये पावर बैंक से मैंने इसे चार्ज करके भी देखा, ये चार्ज भी हो रहा है, और इसमें बॉक्स पे मेंशन किया है कि आप 6 घंटे तक इसमें गेम प्ले कर सकते हैं। तो एक बार आप चार्ज करेंगे तो 6 घंटे तक आप गेम खेल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप एक प्लेयर खेल रहे हैं, दो प्लेयर खेल रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्लस आप अपने टीवी से भी कनेक्ट करके खेल सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आता है, और इसमें और भी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। मैंने इसे मीशो से ऑर्डर किया है, आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और भी प्लेटफॉर्म से परचेस कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइबर, तो फिर मेरे वीडियोस ज़रूर से ज़रूर चेक करें, उन्हें शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और माइक नहीं है, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मैं बहुत जल्दी नया माइक परचेस करूँगा। आपके फीडबैक्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।